अकात्सुकी। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अकात्सुकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे अबेंडेंड निंजा होते हैं जिनका नाम बिंगो बुक में शामिल होता है। और ये सारे निंजा हमें फर्स्ट टाइम नेरुतो क्लासिक सीरीज किए गए थे। लेकिन गाइस, क्या आपने आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि जो ये अकात्सुकी है इनका रियल लीडर कौन है? ऐसे में तो आधा से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि इनका रियल लीडर जो है वो फेन है। पर गाइस, आपको जहाँ तक पता हो कि फेन को जो कंट्रोल करता है वो होता है नगाटो, और जो फेन का जो बॉडी का मालिक होता है वो होता है याहिको। तो इसमें सवाल आता है कि सही में हु इज द रियल लीडर ऑफ अकात्सुकी? तो आप लोगों को कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अकात्सुकी का जो रियल लीडर है सही मायने में ऑफिशियली वो कौन है, कौन था। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अकात्सुकी का एक मेंबर है जो आज भी जिंदा है, जो बोरुटो में भी है, और वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो वो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको जानना है कि अकात्सुकी का जो लीडर है वो कौन है, तो उसके लिए आपको पहले हिस्ट्री में जाना होगा। तो अकात्सुकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश करने में तीन लोगों का हाथ है, कोनान, नागाटो एंड याहिको। तो गाइस, जब अकात्सुकी जब इस्टेब्लिश हुआ था तो वो लोग अपने विलेज में पीस रखते थे, अपने विलेज के प्रोटेक्शन करते थे। तो गाइस, तो तब उनका लीडर था याहिको। बहुत सारे मेंबर्स आए, बहुत सारे लोगों का याहिको का जो प्लान है वर्ल्ड को पीस दिलाने का वो बहुत लोग को पसंद आया। तो याहिको की मदद करने के लिए बहुत सारे निंजाज आए और उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ग्रुप में ज्वाइन हुए, जिसका नाम अकात्सुकी था। तो गाइस, जब याहिको जब मरा था, जब डांजो ने याहिको को मरवाया नागाटो के हाथ से, तब से याहिको ने नागाटो को ऑफिशियली अकात्सुकी का लीडर बनाया, अकात्सुकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीडर बनाया। वो बात अलग है कि याहिको मरने के बाद भी उसकी बॉडी को नागाटो ने लीडर बना के रखा, लेकिन उसका ऑफिशियल लीडर जो था वो नागाटो था। तो आई होप आप लोग का जो ये गलत फहमी है वो दूर हो गया हो। तो अब बात करते हैं उस मेंबर के जो आज भी अकात्सुकी का मेंबर होते हुए भी आज भी जिंदा है, जो बोरुटो सीरीज में देखने को मिलता है। तो गाइस, उसका नाम है ओराचिमारो। जी हाँ गाइस, क्योंकि देखो अकात्सुकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो मर गए और वो चल बसे। लेकिन आपको शायद से ये बात याद हो कि अकात्सुकी मेंबर्स एक उंगली में एक रिंग पहनते थे, जिसके पास वो रिंग होती थी, वो रिंग मतलब एक सिंबल होता कि होता था, जस्ट लाइक उनके ड्रेस की तरह कि वो अकात्सुकी के मेंबर्स है, ठीक है। तो ओराचिमारो का जो रिंग है ना वो अभी भी उसके पास है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे एपिसोड में दिखाया भी है कि ओराचिमारो का जो अकात्सुकी का जो रिंग है वो आज भी उसके पास है, और उसके रिंग से आज तक कोई रिप्लेस हुआ नहीं है। मतलब उस अभी तक आज भी वो अकात्सुकी का एक ऑफिशियली मेंबर है।